हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी चैम्स का एक बार फिर से एसएससी स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल पर। हम करने वाले हैं वोकैब सीरीज का एक और नया पार्ट, जिसमें कि स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले वर्ड से, जो कि है इमिनेटिंग। इमिनेटिंग का मतलब क्या होता है? निकलती। आप इस तरीके से समझिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ इमिनेटिंग रिवर, यानी कि निकलती हुई नदी, या फिर इसको बोलेंगे क्या, कम आउट, या फिर बोलेंगे फ्लो एमर्ज। जैसे कि कम आउट से पता चला है कोई भी चीज़, यानी कि निकलती हुई, बाहर आती हुई। इसके बाद है एम्बार्क, यानी कि चढ़ना या फिर शुरू करना। किस सेंस में है ये? अब देखिए, चढ़ना यानी कि आप किसी एयरक्राफ्ट पर चढ़ रहे हैं या किसी शिप पर चढ़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एम्बार्क कहलाएगा। उसी तरीके से एम्बेजलमेंट यानी कि गबन, या फिर आप इस तरीके से समझिए, एम्बेजलमेंट का मतलब होता है चोरी करना, यानी कि थेफ्ट, ठीक है, स्टीलिंग, रॉबरी, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। गाइज, मैं आपको वोकैब के साथ साथ सिनोनिम्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपको हिंदी में मीनिंग भी पता चल रहा है वर्ड का, साथ ही साथ आपको सिनोनिम भी पता चल रहा है। इससे क्या होगा, आपको याद रखने में आसानी होगी। जैसे कि एम्बेजलमेंट आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन अगर मैं आपको साथ में ये बता रहा हूँ कि इसका मतलब चोरी होता है, यानी कि थेफ्ट या फिर रॉबरी, तब आपको जो है चांसेस हैं काफ़ी कि आप एम्बेजलमेंट भी याद रख पाएँ। आगे चलते हैं एम्बोल्डन, यानी कि उत्साह देना। अब देखिए, कोई भी आपका फ्रेंड है जो कि किसी काम को करना चाहता है, तो आप क्या करते हैं, उसे उत्साह प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसे जो है एनकरेज करते हैं कि हाँ तू ये कर सकता है, उसके अंदर उत्साह भर देते हैं आप। तो यानी कि किसी भी को भी एनकरेज करना या फिर किसी को करेज देना, उत्साह देना, वो क्या कहलाएगा? एम्बोल्डन कहलाएगा। यानी किसी को ब्रेव बनाना या फिर किसी को जो है स्ट्रेंथ को बढ़ाना, यानी कि किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथन कर देना। एम्ब्रॉयल यानी कि घपला। घपला किस तरीके से कोई भी चीज़ आप मिक्सअप कर देते हैं या कैचअप कर देते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका? एम्ब्रॉयल कहलाएगा। इसी तरीके से एमिनेंट यानी कि प्रख्यात, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इलस्ट्रियस या फिर बोलेंगे डिस्टिंग्विश्ड, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके बाद है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब आपका होगा सहानुभूति, यानी कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकें या फिर उसे शेयर कर सकें, तो वो क्या कहलाएगा? एम्पैथी कहलाएगा। सेम एज जैसे कि सिंपैथी, उसी तरीके से समझ लीजिए आप एम्पैथी। इसके बाद है इनेमर यानी कि मोहित। आप किसी भी चीज़ से एकदम अट्रैक्टेड हैं, तो यानी कि वो चीज़ आपको क्या कर लेती है? मोहित कर लेती है अपनी तरफ, यानी कि आप क्या है उसके इन लव बोलेंगे, ठीक है, इन लव विद किसी से भी, या फिर इन्फेचुएटेड विद, ये सब क्या हो जाएगा आपका? इनेमोर के सिनोनिम्स हो जाएंगे। इनेमोर का मतलब क्या हुआ? यानी कि आप एक तरीके से किसी से अट्रैक्ट हैं बहुत बुरी तरीके से, तो वो क्या कहलाएगा? इनेमोर। एनक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण। अतिक्रमण से क्या हो जाएगा आपका? इन्वेजन ऑफ जो है, या फिर बोलेंगे ट्रेसपास ऑन, ठीक है। इसके बाद है एंडेमिक यानी कि स्थानीय। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? कोई भी देखिए बीमारी है या कोई ऐसी कंडीशन जो कि एक पर्टिकुलर जगह पर या एक पर्टिकुलर इंसान में नॉट रेगुलरली पाई जाती हो, यानी कि कोई जगह है, जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, पोल्यूशन ज़्यादा है, यानी कि पोल्यूशन की जो कंडीशन है यहाँ पर रेगुलरली जो है फाउंड की जाती है, यानी कि पाई जाती है, तो ये क्या कहलाएगा? एंडेमिक, इसी को कहेंगे। इसके बाद है इनफीबल यानी कि ढीला छोड़ना। ढीला छोड़ना यानी कि किसी भी चीज़ को वीक कर देना, ठीक है, वीकेंड कर देना। क्या कहते हैं, जब आप पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं तो क्या बोला जाता है कि आपने ढील कर दी, यानी कि पढ़ाई में आप वीक हो गए, यानी कि ढील कर दी। तो इसी से समझिए, इनफीबल यानी कि ढील छोड़ना, यानी कि किसी भी चीज़ को वीक बना देना, मेक वीक या फिर वीकेंड कर देना। एनग्रोजिंग यानी कि मनोरंजक। मनोरंजक की अगर मैं बात करूं तो आपका हो जाएगा प्रीऑक्यूपाई, एंगेज, ये क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे एंग्रोसिंग के। इसके बाद है एनमेस्ट यानी कि जाल में फंसना। जाल को क्या बोलेंगे आप? ट्रैप बोलेंगे। उसी तरीके से जाल में फंसना यानी कि एंट्रैप या फिर ट्रैप भी यूज किया जा सकता है। इसके बाद है एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी का मतलब आपका हो जाएगा दुष्टता। ये देखिए, अगर आप दुष्ट को बताना चाहते हैं तो दुष्ट को क्या करते हैं? इविल या फिर बोलते हैं विलेन, ठीक है। अब आपको दुष्टता करना है, दुष्टता बताने के लिए आप इविल के आगे नेस लगा दीजिए, विलेनेस, इस तरीके से जो है आपके ये वर्ड्स हो जाएंगे। तो एनॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ? दुष्टता यानी कि इविलनेस या फिर बोलेंगे विलेनेस। एनरेज्ड यानी कि खफा। खफा या फिर आप समझिए किसी से नाराज होना है बहुत, यानी कि वेरी एंग्री या फिर फ्यूरियस। एंसकॉन्सिड यानी कि विराजमान, यानी कि किसी भी चीज़ को एस्टेब्लिश कर देना एक जगह, ठीक है, विराजमान कर देना किसी भी चीज़ को जो है
आप जैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में क्या करते हैं, काफ़ी सारी ऐप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ऐप जो आपकी ऐप्स हैं उन्हें आप अपने फ़ोन में विराजमान कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंस्टॉल भी हो सकता है, इस्टेब्लिश भी हो सकता है, सेटल भी हो सकता है, ठीक है। एंसकॉन्सिड यानी कि सेटल, इंस्टॉल या फिर इस्टेब्लिश हो सकता है। एंजेम्बल यानी कि संवेद, या फिर बोलिए संपूर्ण यानी कि होल थिंग, यानी कि सारा का सारा, कुछ भी मत छोड़ो, जितना भी है सब एंसेम्बल यानी कि होल थिंग, या फिर बोलेंगे होल, ठीक है। इसके बाद है इंटेल यानी कि आवश्यक। आवश्यक से आप क्या समझते हैं, नीड्स आपकी, यानी कि जो आपकी ज़रूरतें हैं, ज़रूरतें जो क्या हैं, आपकी आवश्यकताएँ हैं, ये आप बोलेंगे, या फिर नेसेसरी, नेसेसिटेट, ये सब क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंथ्रेल यानी कि रोमांचित। रोमांचित यानी कि आप क्या समझेंगे यहाँ से, चार्म, या फिर बोलेंगे कैप्टिवेट, ये सब क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंट्रेंच यानी कि मोर्चाबंदी बांधना। मोर्चाबंदी बांधना यानी कि इसका मतलब भी क्या हो जाएगा आपका, इस्टेब्लिश करना, या फिर किसी चीज़ को सेटल करना, इंस्टॉल करना। एविसेज यानी कि परिकल्पना की गई। परिकल्पना से क्या समझते हैं आप, यानी कि आपने पहले से ही कल्पना कर ली कि क्या होने वाला है, यानी कि आप क्या एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, ठीक है। प्रिडिक्शन कर लेना, प्रिडिक्शन क्या होता है, यानी कि मैच चल रहा है, आप वहाँ पर प्रिडिक्शन लगा देते हैं अपना कि हाँ ये जो प्लेयर है आज इतने रन्स बनाएगा, यानी कि आपने पहले से ही कल्पना कर ली, वो क्या कहलाता है आपका, एनविसेज कहलाता है। इसके बाद है एफिमेरल यानी कि अल्पकालिक। अल्पकालिक से इस तरीके से समझिए, अल्प का मतलब क्या होता है, शॉर्ट यानी कि बहुत छोटा, कालिक यानी कि समय, बहुत छोटे समय के लिए जो हो आपका, यानी कि वो क्या कहलाएगा, एफिमेरल यानी कि शॉर्ट लिव्ड, या फिर बोलेंगे पासिंग। इसके बाद है आपका एपिथेट यानी कि विशेषण। विशेषण क्या कहलाएगा आपका, निकनेम या फिर टाइटल, आपका नेम, लेबल, टैग, ये सब क्या है, विशेषण यानी कि एपिथेट। इसके बाद है एपोनिमस यानी कि नाम स्त्रोत। नाम स्त्रोत क्या होता है, आप जो है किसी भी चीज़ का जो नाम है, किसी भी थिंग का जो नाम है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर एक ग्रुप के नाम के बाद में उसे रख रहे हैं, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ है आपकी, उसका नाम ऐसा रखा जा रहा है किसी इंसान के नाम के ऊपर, वो क्या कहलाएगा, एपोनिमस कहलाएगा। इक्विटेबल, इक्विटेबल यानी कि आप इस तरीके से समझिए, इक्वेलिटी समझिए आप इसे, इक्वेलिटी यानी कि न्याय संगत, फेयर कोई भी चीज़, वो क्या कहलाएगी, इक्विटेबल। इक्विवोकेशन यानी कि गोलमोल बात, कोई भी बात आपको सीधे तरीके से ना दी जाए, गोलमोल करके बताई जाए, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, इक्विवोकेशन यानी कि वैग्यूनेस अगर आप बोलें इसे, तो भी कोई जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। एरोड यानी कि खिसक। खिसक से क्या होगा आपका, वियर अवे या फिर वियर डाउन, ग्राइंड डाउन, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके बाद है एरेंट। एरेंट यानी कि भटकने वाला। भटकने वाला किस तरीके से होगा आपका, आप जो है कभी आप डिसाइड करते हैं कि मुझे एसएससी का कोर्स करना है, ठीक है, कभी आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे नेवी एसएसआर का कोर्स करना है, तो ये क्या हुआ, ये भटकने वाला जो है इंसान, वो ये सब करता है, तो आपको ये भटकना नहीं है। भटकने वाले इंसान को क्या बोलते हैं, एरेंट बोलते हैं। आपको एरेंट नहीं बनना है, अपना एक करियर डिसाइड करना है और उसकी प्रिपरेशन में लग जाना है। इसके बाद है इरेटिक। इरेटिक क्या होता है, अनियमित। कोई भी चीज़ अगर आप नियम से कर रहे हैं, नियम का मतलब क्या होता है, एक ही चीज़ को आप रोज़ रोज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, आपकी वो चीज़ जो है चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है वो, तो अगर नियम है तो वो कांस्टेंट हो गई। अनियमित यानी कोई नियम नहीं है, यानी कि आप उसे बदलाव कर सकते हैं उसमें, तो यानी कि चेंजेबल है वो, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, इनकांस्टेंट, वो क्या कहलाएगी, इरेटिक। इसके बाद इरेड यानी कि गलती। गलती यानी कि आप समझते हैं कोई भी चीज़ आप गलत करते हैं, जब बी रॉन्ग या बी मिस्टेकन, कोई गलती कर दी आपने, मेक अ मिस्टेक, ये सब क्या होगा, एरेड। इसके बाद है इरोनियस यानी कि गलती से, ये भी आपका सेम, मिस्टेकन या फिर इनएक्यूरेट, कोई भी चीज़ अगर आप एक्यूरेट करते हैं यानी कि ठीक ठीक करते हैं, गलती कर देते हैं अगर, यानी कि इनएक्यूरेट, ठीक है, गलती से आपने वो सही नहीं किया। एस्केलेटिंग यानी कि तीव्र करना। तीव्र से आप क्या समझते हैं, रैपिड, ठीक है, इंक्रीज रैपिडली या फिर बोलेंगे ग्रो रैपिडली, ठीक है। एस्क्यू यानी कि त्याग करना। त्याग करना से आपका क्या है, गिव अप कर देना या फिर रिफ्रेन फ्रॉम, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। स्पोनेज यानी कि जासूसी। जासूसी यानी देखिए स्पाई करना, या फिर बोलेंगे इसको स्पाई करना, जासूसी करना का क्या होता है, स्पाई करना, और स्पाई करता कौन है, अंडरकवर कॉप्स जो होते हैं वो किस लिए रखे जाते हैं, ताकि वो जासूसी कर सकें, तो अंडरकवर वर्क भी इसको बोला जाएगा, ये क्या कहलाएगा, स्पोनेज के सिनोनिम्स कहलाएंगे। यूफिज्म यानी कि व्यंजना। व्यंजना यानी कि आपका हो जाएगा पोलाइट टर्म, या फिर बोलेंगे अंडर स्टेटमेंट, अंडर प्लेइंग। इसी तरीके से यूफोरिया यानी कि उत्साह,
अब देखिए, दो चीजें आपने ज्यादातर इंग्लिश में सुनी होंगी, एक होता है आपका जॉय, एक होता है सोरो। जॉय का मतलब क्या होगा, आपका एक तरीके से हैप्पीनेस, और सोरो का मतलब जब आप उदास हो। ठीक है, तो यानी कि यूफोरिया के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके, हैप्पीनेस या फिर जॉय, डिलाइट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके बाद एवेक्ट यानी कि बेदखल। अब मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी का कोई जो है हिस्सेदार है, आप नहीं चाहते कि उसे प्रॉपर्टी मिले, तो वो क्या करेंगे, आप बेदखल कर देंगे उसे, बाय लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ यानी कि कानून के अनुसार, तो वो क्या कहलाएगा आपका, इविक्ट कहलाएगा। इवोकेशन यानी कि उद्बोधन, ठीक है, यानी कि किसी भी आपका जो इन्वोकिंग स्प्रिट का जो एक्शन है आपका, वो क्या कहलाएगा, इवोकेशन कहलाएगा। इवोकेटिव यानी कि विचारोत्तेज, विचारोत्तेजक यानी कि सजेस्टिव, आप कोई जो है सजेशंस किसी को दे रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे, इवोकेटिव यानी कि आप सजेस्टिव हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटेड यानी कि खराब करना किसी भी चीज को, वर्स बना देना, वर्स का मतलब क्या होता है, खराब होता है, तो मेक वर्स, ठीक है, या फिर बोलेंगे वर्जन। एग्जीग्रेट यानी कि अतिशोक्तिपूर्ण, अतिशोक्तिपूर्ण यानी कि देखिए अति से आप समझ जाइए ओवर, अब ओवर स्ट्रेस, ओवर एस्टिमेट, ओवर वैल्यू, ओवर स्टेट, ये क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स। इसके बाद है एग्जल्टेड यानी कि उत्साहपूर्ण, उत्साहपूर्ण से आप क्या समझेंगे, यानी कि सुपीरियर, या फिर बोलिए यहाँ पर प्रोमिनेंट, एलिवेटेड। ठीक है, एक्सकेवेटर यानी कि उत्खनक, उत्खनक से आप क्या समझेंगे, एक पर्सन जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट को एक्सकेवेट करता है, यानी कि उसे हाई रैंकिंग पर पहुंचाता है, उसे सुपीरियर बनाता है, वो क्या कहलाएगा, एक्सकेवेटर कहलाएगा वो पर्सन। एक्सक्रूसिएटिंग यानी कि कष्टदाई, कष्टदाई यानी कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं जो आपको पेन दे रही है तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सक्रूसिएटिंग यानी कि पेनफुल, एक्सट्रीमली पेनफुल, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे रही है। एग्जीक्रेबल यानी कि घिनौना, घिनौने से आप क्या समझते हैं, टेरिबल या फिर बोलेंगे ऑफुल। एग्जॉल्ट यानी कि समझाना, समझाने यानी कि किसी भी चीज़ को जो है आप समझा रहे हैं तो किस तरीके से समझाएंगे, एक आप उसको उत्साह दे सकते हैं, आप समझाना चाह रहे हैं उसे कि भाई ये तुम्हारे लिए सही है, आप उसके अंदर उत्साह भर रहे हैं यानी कि एनकरेज कर रहे हैं। दूसरा आप समझाने का तरीका आपका हो सकता है कि आप उसे प्रेशराइज कर रहे हो, तो दोनों यहाँ पर जो है सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसके बाद एक्सोडस यानी कि निर्गमन, निर्गमन से आप क्या समझते हैं, विड्रॉल करना या फिर एक्सक्यूएशन या फिर लिविंग, जैसे बैंक से आप जो है अमाउंट विड्रॉल करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोडस। एक्सोनरेट यानी कि दोषमुक्त करना, कोई भी किसी पर इल्ज़ाम लगा हुआ है तो वो जो है उसमें उसे इनोसेंट साबित कर देना या फिर डिक्लेयर कर देना कि ये जो है इसने नहीं किया है। ठीक है, किसी भी इंसान को कोई जो है गुनहगार ना पाया जाए तो यानी कि वो क्या हो गया, दोषमुक्त हो गया, एक्सोनरेट हो गया। एक्सोर्बिटेंट यानी कि अत्यधिक, अत्यधिक यानी कि एक्सट्रीमली हाई, एक्सेसिव, ठीक है, ये हो जाएंगे सिनोनिम्स। एक्सोटिक यानी कि विदेशागत, विदेशागत से आप क्या समझते हैं, फॉरेन या फिर जो हमारा पड़ोसी ना हो, नॉन नेटिव, ठीक है, फॉरेन या नॉन नेटिव। एक्सपेट्रेट यानी कि प्रवासी, जो कि हमारा विदेश में रह रहा हो या विदेश में काम कर रहा हो। इसी तरीके से एक्सपेडाइट यानी कि शीघ्र, शीघ्र यानी कि कोई भी चीज़ आप एक्सीलरेट कर रहे हैं, स्पीड अप कर रहे हैं, क्विकन, कोई भी चीज़ आप तेज़ी से करना चाहते हैं, शीघ्र का मतलब क्या है, तेज़ी से यानी कि क्विकन। ये दो बार रिपीट हो गया है 364 एंड 365 पर। इसके बाद देखिए 366 देखेंगे लास्ट। एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान, अभियान आप चला रहे हैं कोई भी, यानी कि जर्नी या फिर बोलेंगे उसे वॉयज या टूर। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।